जयपुर शहर सांसद रामचरण बोहरा ने रेल मंत्री पीयूष गोयल को पत्र लिखकर दिवंगत लोगों की अस्थि विसर्जन को लिए हरिद्वार योगा एक्सप्रेस ट्रेन चलाने की मांग की है। बोहरा ने कहा कि लॉकडाउन के कारण परिवहन पर रोक होने से परिजन दिवंगत लोगों की अस्थियों का विसर्जन नहीं कर पा रहे। मुख्य धामों में सैकड़ों दिवंगत लोगों की अस्थियां रखी हुई है। ऐसे में अगर ये ट्रेन चलेंगी तो लोग दिवंगत लोगों की अस्थियों का विसर्जन कर सकेंगे। उस लॉकडाउन के तहत कई परिवारों में परिजनों की डेथ हो गई है, मृत्यु हो गई है, और एक हिंदू संस्कृति के नाते सबको अब जब परिजन की मृत्यु हो जाती तो वो हरिद्वार या सरोज गंगा जी जाना चाहते हैं। इस तक मैं आज राज्य सरकार से मांग करना चाहता हूँ कि मैंने केंद्र से माननीय पीयूष जी गोयल को पत्र लिखा है, मैंने GM से भी बात की है, मैंने मेंबर ऑफ ट्रांसपोर्ट है उससे भी मैंने बात की है। मुख्यमंत्री से मैं आग्रह करूंगा कि आप भी पीयूष गोयल जी को पत्र लिखें ताकि अहमदाबाद से जो हरिद्वार ट्रेन चलती है योगा, वो उसका संचालन हो जाए तो यहाँ इस एरिया के सब लोग अपने अपने परिजनों को हरिद्वार में ले जाकर उनकी अंत्येष्टि विसर्जन कर सकता है। फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का।